दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम में 30 क्वेश्चन किए हुए थे, आज हम 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा है कि ये DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों के समान गैर न्याय उचित है। तीसरा है कि इसका मूल संविधान के भाग 4 में उपबंध किया गया है। उपयुक्त में से सत्य कथन बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी सी नंबर। एक क्यों? क्योंकि मूल कर्तव्य जहाँ तक फंडामेंटल ड्यूटी की बात है तो ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। और दूसरी चीज़ है कि DPSP की तरह इसके लिए आप अपना अधिकार या फिर ये नहीं कह सकते, न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि भाई हमें ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसको करना ही करना है, इस चीज़ के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं लागू कराने के लिए। ठीक है, सेकंड हो गया कि निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय एकता परिषद का, ठीक है, नीति आयोग का और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दैट मीन्स आंसर आपका सी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतर्राज्य परिषद का भी होता है प्रधानमंत्री, और उसके बाद आपका उसका भी अध्यक्ष हो गया। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का भी अध्यक्ष होता है, फिर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी होता है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बोर्ड का भी होता है। ठीक है, 33 है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति का, क्योंकि आर्टिकल 253 में जो है आपका उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि भारत किसी भी राज्य क्षेत्र में अपने जो भारत है भारत राज्य का किसी भी राज्य में बिना किसी सहमति का अंतर्राष्ट्रीय संधियां यानी इंटरनेशनल ट्रीटी लागू कर सकता है। ठीक है, कानून उसके लिए बना सकता है। 34 है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर आपका होगा क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकास में जन भागीदारी और नागरिक अधिकार की रक्षा। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि 73वां 74वां संशोधन के द्वारा हम गांव और सिटी में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, अब भारत में अगर पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन का अगर मुख्य उद्देश्य क्या है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी हो जाता है, विकासात्मक कार्य भी हो जाता है और जन भागीदारी सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 35, मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया। तो आंसर हो जाएगा 2003, क्योंकि 21वीं संविधान संशोधन में जो है सिंधी को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। फिर जो है आपका 71 संविधान संशोधन में आपका जो है नेपाली नमक यानी नेपाली मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया था। उसके बाद 92 अमेंडमेंट जब हुआ तो उसमें जो है आपका 2003 में BDMS दैट मीन्स बोडो डोगरी और इधर हो गया मैथिली और इससे संथाली, इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट है 36, नगर पालिका का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा नगर पालिका के सदस्य बनने की उम्र सीमा होती है 21 वर्ष। ठीक है, जैसे वोट देने की एज कितनी होती है तो 18 वर्ष होती है, तो उसी तरीके से नगर पालिका के सदस्य बनना है तो 21 साल होना चाहिए, और अगर लोकसभा का है तो 25 साल लोकसभा का अगर मेंबर बनना हो तो, राज्यसभा का बनना हो तो 30 साल इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची में शामिल विषय हैं 37। तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्योंकि उसमें कितने हैं टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 243G में जो है आपका यहाँ पे वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद का 243G में है। ठीक है, इसका वर्णन किया गया कि 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट हैं इसका, और 243D की अगर बात करूँ तो उसमें आपका महिला के लिए जो रिजर्व सीट है उसका एक्सप्लेनेशन वहीं पे वर्णन किया गया है 243D में।
नेक्स्ट है 38, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, आंसर बी हो जाएगा। 39 है, मुंडेश्वरी पहाड़ी मंदिर पहाड़ी बिहार के किस जिले में है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर जिला में है आपका मुंडेश्वरी पहाड़ी पहाड़ी बिहार मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है 40, सतत जीविकोपार्जन मिशन योजना का कब प्रारंभ किया गया, तो ये आपका 5 अगस्त 2018 को किया गया था, आंसर हो जाएगा बी। 41, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 329 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, बिहार में गणितीय मॉडलिंग केंद्र कितने स्थान पर बन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 स्थान पे बन रहे हैं। 43, बिहार के उत्तरी क्षेत्र को कितने नदी दोआब में विभाजित किया गया है, तो उत्तरी जो क्षेत्र है उसको जो है 3 भाग में विभाजित किया गया है, कौन कौन सा, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 44, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज एलेक्जेंडर जो है इसके अध्यक्ष थे, और 1770 में यानी 1770 में एक लगान परिषद का गठन हुआ था और इसी को रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना में चेंज कर दिया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जेम्स एलेक्जेंडर, ठीक है। भरथुआ चौर बेटलैंड बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका मुजफ्फरपुर में है। भरथुआ चौर हो, भूसारा मन या ब्रह्मपुरा मन या ताल बहिरा, ये जो बेटलैंड है ये मुजफ्फरपुर में है। वहीं कांवर झील की बात की जाए तो ये आपका बेगूसराय में, बिहार का एकमात्र ये रामसर स्थल है कांवर झील। 46, बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में किसने की थी, तो ये आपका है अब्दुल अंसारी ने की थी, ठीक है। मुस्लिम लीग का बढ़ता हुआ जो प्रभाव था उसको रोकने के लिए 1938 में अब्दुल कंट्यूम अंसारी जो है मोमिन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है 47, बिहार राज्य में निर्भरता अनुपात कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58.3%, ठीक है। ये 2022-23 का जो सर्वे हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण उसके अकॉर्डिंग है 58.3%, और अगर पूरे भारत का निर्भरता पूछा जाए तो 44.3%, ठीक है। और अगर देश में पूछा जाए कि इंडिया में निर्भरता अनुपात के मामले में कौन सा राज्य पहला है, तो बिहार है। 48, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका रोहतास जिला में है। 49, बिहार में शहरीकरण की दर न्यूनतम किस जिले में है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, न्यूनतम बात किया जाए तो मधुबनी बांका और सीतामढ़ी, उसके बाद, ठीक है, यानी मधुबनी बांका सीतामढ़ी, एक मिनट, 49 मधुबनी बांका सीतामढ़ी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी या सी जो भी लिखा हो, मधुबनी बांका सीतामढ़ी ये वाला हो जाएगा। और अगर ज़्यादा में अगर पूछा जाए कि अधिकतम किस जिले में है, तो आपका पहला नंबर पे पटना हो जाएगा, फिर मुंगेर होगा, फिर नालंदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तसर रेशम का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर हो गया, 50 का हो गया भागलपुर हो गया, उसके बाद आपका यहाँ बांका में नवादा में है ना ये किया जाता है, तो भागलपुर बांका इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ट्रेडमिल टेस्ट निम्नलिखित में से किस अंग की जांच से संबंधित है, तो यानी टीएमटी जांच जो है जनरली किसके लिए किया जाता है, ये पता करने के लिए किया जाता है कि हार्ट अटैक का आपको कितना खतरा है, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसका प्रोसेस ये है कि मशीन पे जो है मरीज को पेशेंट को दौड़ाया जाता है और उस पे जो है उसके हार्ट पे प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, प्रेशर डाला जाता है, और उससे उसका स्टेमिना भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि हार्ट पंप जो है मरीज का वो कितना तेज़ी से काम कर रहा है,
तो यानी ये हार्ट अटैक का कितना खतरा है ये जांचने के लिए TMT ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। फिर है 52 नंबर, शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं अथवा उत्तकों की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है नेक्रोसिस कहा जाता है, ठीक है, इसे नेक्रोसिस कहा जाता है। 53, रक्त में एंटीबॉडी एंड एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये सीरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 54, निम्नलिखित में से किस रोग के कारक प्रोटोजोआ हैं, तो इसका हो जाएगा कालाजार जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। 55, क्रोमोजोम किसके बने होते हैं, तो क्रोमोजोम जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने रहते हैं ना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है, तो 55 का आपका आंसर डी हो जाएगा। फिर है 56, एक्स बायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन जो है एक्स बायोलॉजी के थ्रू किया जाता है। 57, निम्नलिखित में से कौन अंडे और दूध दोनों देता है, तो एक तो प्लैटिपस हो गया और एक एकिडना हो गया, है ना, ये दोनों जो है मैमल्स में आते हैं यानी स्तनधारी आते हैं और ये अंडे और दूध दोनों देते हैं। 58, कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग क्या होते हैं, तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका सोडियम अजाइड। 59, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है, तो अवशोषण करता है, तो उसका आंसर कौन सा हो, तो विटामिन डी, जो हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको जंतुओं और पादपों के बीच योजक कड़ी माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा युगलिना को जो है जंतु और पादप के बीच योजक कड़ी माना जाता है और इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।